दोस्तों आज की वीडियो में हम महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट की पूरी जानकारी जानने वाले हैं और मेरा यह 100% दावा है कि यदि आप इस वीडियो को पूरी देख लेते हैं तो इस विषय में आपको दूसरी वीडियो देखने की कोई भी आवश्यकता नहीं होगी। दोस्तों यह पोस्ट ऑफिस की एक ऐसी स्कीम है जिसमें आपको कम समय में अच्छा इंटरेस्ट मिल रहा है। यदि हम FD से तुलना करें तो भी इसमें आपको ज्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है। दोस्तों तमाम जानकारियां जानेंगे, जैसे इस अकाउंट को कौन कौन खोल सकता है, अभी क्या इंटरेस्ट चल रहा है महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट में, यदि आप इस अकाउंट को ओपन करवाते हैं और बीच में ही आप पैसा निकालना चाहते हैं तो कैसे निकालेंगे, उसके क्या प्रोसेस रहेंगे और उसमें इंटरेस्ट आपको क्या मिलेगा। दोस्तों नॉमिनेशन की फैसिलिटी से लेकर अकाउंट को ट्रांसफर करने की फैसिलिटी तक के बारे में हम जानेंगे, तो वीडियो को एंड तक देखकर आप इसका लाभ जरूर लें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित कुमार और आप देख रहे हैं अमित थ्री माउंटेन यूट्यूब चैनल। दोस्तों पोस्ट ऑफिस रिलेटेड कोई भी क्वारी हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें, मैं आपको उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट को कौन कौन खोल सकता है? कोई भी महिला अपने नाम से खोल सकती है। दूसरा, कोई भी बच्ची है वह माइनर है तो वह गार्जियन के साथ मिलकर भी खोल सकती है। दोस्तों महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट की मिनिमम डिपॉजिट लिमिट या फिर मैक्सिमम डिपॉजिट लिमिट की बात करें तो कम से कम आप इस स्कीम में 1,000 रुपये जमा कर सकते हैं और मैक्सिमम अमाउंट की बात करें तो आप मात्र 2,00,000 रुपये ही डिपॉजिट कर सकते हैं। यानी महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट में कोई भी इंडिविजुअल महिला या फिर कोई एक बच्ची अपने नाम से मात्र 2,00,000 रुपये ही जमा कर सकती है। दोस्तों मेरे विचार से दूसरे FD की तरह ही इसमें भी मैक्सिमम डिपॉजिट की कोई लिमिट नहीं होनी चाहिए। आपका विचार क्या है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट की टर्म और इंटरेस्ट रेट की बात करें तो इस स्कीम में आपको 2 साल के लिए FD करनी होती है और इसमें अभी 7.5% का इंटरेस्ट मिल रहा है। यदि इसकी तुलना पोस्ट ऑफिस की दूसरे 2 साल की FD से करें तो 2 साल की FD में आपको 7% का इंटरेस्ट मिलता है, यानी इस स्कीम में आपको अच्छा खासा इंटरेस्ट मिल रहा है। अब बात करते हैं विड्रॉल और प्री मैच्योरिटी रूल्स के बारे में। यदि आप बीच में ही पैसा निकालना चाहते हैं तो उसके क्या रूल्स हैं? अकाउंट खोलने के 1 साल के बाद आप 40% जमा राशि से आप पैसा निकाल सकते हैं, या दूसरा, खाता खोलने के 6 महीने के बाद आप पूरा पैसा निकाल सकते हैं। उस स्थिति में आपको इंटरेस्ट रेट में 2% लेस करके आपका कैलकुलेशन किया जाएगा। तीसरा, यदि अकाउंट होल्डर की डेथ हो जाती है तो उस स्थिति में पूरा पैसा निकल जाता है। यदि लाइफ थ्रेटन डिजीज है तो दोस्तों उस स्थिति में भी आप पूरा पैसा निकाल सकते हैं। यदि अकाउंट माइनर के नाम से खुला हुआ है तो जो गार्जियन है उनका डेथ होने पर भी आप पूरा पैसा निकाल सकते हैं। महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट को खुलवाने के लिए आप पोस्ट ऑफिस में या फिर बैंकों में भी जा सकते हैं। दोनों ही जगहों आपको 7.5% का इंटरेस्ट मिलता है। हम बात करते हैं इसे खुलवाएंगे कैसे। तो दोस्तों यदि आप पोस्ट ऑफिस में खुलवाते हैं तो उसके लिए आपको अकाउंट ओपनिंग फॉर्म एक भरा जाता है और KYC डॉक्यूमेंट्स लगाए जाते हैं, जिसमें आप आधार कार्ड और पैन कार्ड का जेरॉक्स कॉपी आपको देना होता है, साथ में फ़ोटो देना होता है और एक डिपॉजिट स्लिप भरना होता है। इसके बाद आप किसी भी पोस्ट ऑफिस में आप महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट को खुलवा सकते हैं। दोस्तों इस स्कीम में आपको नॉमिनी की फैसिलिटी मिलती है जिसे आप अकाउंट ओपन करते वक्त ही आप नाम दे सकते हैं। साथ ही साथ आपको इस स्कीम में अकाउंट को ट्रांसफर करने की भी फैसिलिटी मिल जाती है दूसरे अकाउंट की तरह। महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट की यदि आप मैच्योरिटी कैलकुलेटर की बात करें तो 25,000 रुपये डिपॉजिट करने पर 29,005 रुपये 2 साल के टर्म में मिलेंगे, 50,000 रुपये डिपॉजिट करने पर 58,011 रुपये, 1,00,000 रुपये डिपॉजिट करने पर 1,16,022 रुपये, 1,50,000 रुपये डिपॉजिट करने पर 1,74,033 रुपये, वहीं 2,00,000 रुपये डिपॉजिट करने पर मैक्सिमम अमाउंट 2,32,044 रुपये की राशि आपको 2 साल के मैच्योरिटी के बाद मिलती है। तो दोस्तों यह थी पोस्ट ऑफिस महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट की पूरी जानकारी। यदि आपको कुछ पूछना हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।